चंडीगढ़ से विजय कुशवाहा की रिपोर्ट। ग्राम मंडवाड़ा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रम के अंतर्गत थाना अंजल के द्वारा आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित ग्राम की महिलाओं संबोधित करते हुए संवाद कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें थाना प्रभारी केसी पवार, उप निरीक्षक एवं सरपंच आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आभार अलका चौहान ने माना। आप ये देख रहे हैं 18 वर्ष की कमाई की बालिका को उसके सहमति से भी शादी के आशय से भागा को लेना अपराध अपहरण की श्रेणी में आ जाए। कोई लड़की नाबालिग है यदि वो बिना अपना चाहे उसके सहमति वो किसी लड़के के साथ चली जाएगी उसमें सीधा अपराध पंजीबद्ध होगा। वो लड़की ने अपना जीवन तो बर्बाद किया, साथ में उस लड़के का फिर भी उसको कानून में कोई मान्यता नहीं दी गई है, उसके सहमति मान्य नहीं होगी, वो लड़का जेल जाएगा और उसको अधिकतम 7 साल की सजा है। और यदि इस दौरान उसके साथ कोई घटना घटित हुई जैसे कोई बलात्कार हुआ चाहे वो राज्य मर्जी से हुआ है, इस दौरान सजा और बढ़ जाएगी और वो सजा 10 साल अधिकतम उसमें आजीवन कारावास में जिंदगी उसकी पूरी जेल में गुजारनी पड़ेगी। इसलिए अपने गांव जब वापस जाए तो इन चीज़ों का प्रचार करें। अपने घर के आसपास यदि हमने 5 से 10 लड़कियों को या 10 परिवारों को भी इस बारे में जानकारी दी तो ये कार्यक्रम हमारा सफल हो जाएगा। हम आए दिन देखते हैं हमारे भी इस वर्ष से कम 5 से 7 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। लड़कियाँ अपनी सहमति से चली जाती है लेकिन वो जब वो पकड़ाते हैं तो वो लोग जेल जाते हैं और बहुत उनकी गति बुरी होती है। इसके अतिरिक्त और बच्चे को जन्म देती है तो कम से कम 10 वर्ष की सजा तथा अधिकतम कहूँगा कि अपने आसपास के जहाँ भी स्कूलों में भी इस संबंध में प्रचार कर रहे हैं लगातार। ये कार्यक्रम स्कूलों में भी हमने बीच में आयोजित करे थे, आपके यहाँ भी आए थे यादव सर, तो जहाँ भी इस प्रकार की घटना होती है तो हम लोग बिल्कुल पुलिस से झिझके नहीं, अपनी बात खुल कर रखे। अपनी बालिका स्कूल आती है यदि कोई लड़का उसको परेशान करता है, आते जाते कोई छेड़ता है, लड़के क्या शर्म के कारण ये बातें बता नहीं पाती, वो गुमनाम रहती है और ये बातें घर भी नहीं बता। जब तक हम उन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो यदि इस प्रकार से कोई बदमाश अपनी लड़के का पीछा कर रहा है कोई लड़का, तो हम स्कूल में भी ये अपने जो टीचर्स इनको भी ये बताएं कि सर ये लड़का मेरा बार बार पीछा करता है, इस प्रकार की हरकत करता है। जब तक ये बात सामने नहीं आएगी तब तक हम कार्रवाई कैसे करेंगे। और लड़के की उम्र 20 साल, तो आप सजग रहेंगे, कम से कम कोई छिपाई नहीं पाएगी, छिपाई पुलिस का उसको लाया है, आपके लिए हमेशा पुलिस तत्पर रहेगी। और मैंने अभी दो तीन दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है अंजड़ थाना, तो आप लोग सारी माता बहना निसंकोच थाने में भी आ सकती है, अपने गाँव की समस्या रख सकती है एवं गाँव के और अन्य समस्या वो भी रख सकती है, तो वहाँ पर भी नारी शक्ति काफी आगे हैं। तो